इस वीडियो के दिए हुए इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा सीरियसली मत लेना, पर एकदम ही मजाक में भी मत लेना। हेलो मंस्टिक पीपल, आप लोग कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं धमाकेदार कुछ ही हफ्ते पहले आने वाला एजेंट अली टीजर के बारे में, ब्रेक डाउन। हाँ, आज हम करने वाले ब्रेक डाउन एजेंट अली टीजर के, क्योंकि किसी ने भी नहीं किया है इसका ब्रेक डाउन, इसीलिए मैंने समझा कि मैं ही कर लेता हूँ, क्या जाता है। इसलिए आज हम करने वाले एजेंट अली का टीजर का ब्रेक डाउन, और अगर आपने इस एजेंट अली का टीजर को नहीं देखा है तो जल्दी से देखो क्या कर रहे हो, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये वीडियो भी देखना टीजर को देखने के बाद। इसलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो टीजर के शुरुआत में हमें एक अननोन पर्सन का मैसेज दिखाया जाता है, वॉइस मैसेज, जिस मैसेज में कोई बकबक कर रहा होता है, और उस बकबक को कोई समझ में नहीं आता है क्योंकि ये मलेशियन भाषा में बोला था और मुझे भी पहले समझ नहीं आया था, बट जब मैंने सबटाइटल देखा तब मुझे समझ आया। ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और कह रहा है कि मैं एक अननोन पर्सन हूँ जो इस मैसेज को सेंड कर रहा हूँ, और ये हो सकता है दो चीज़, एक तो ये एक नॉर्मल इंसान है जिसने टीजर का शुरुआत किया है, या फिर ये हो सकता है एजेंट अली सीजन 3 का मेन विलेन। तो शुरू होता है ये टीजर, और इस टीजर में हमें दिखाया जाता है नया ट्रेनिंग कैंपस। हाँ, नया ट्रेनिंग कैंपस। पहले हमें एक ट्रेनिंग कैंपस दिखाया गया था, उसके बाद और एक ट्रेनिंग कैंपस दिखाया गया था, उसके बाद और एक दिखाया गया था जो ब्लास्ट हो गया था, उसके बाद ये नया वाला है ट्रेनिंग कैंपस, जिस ट्रेनिंग कैंपस पर उन एजेंट से, यानी एजेंट अली की तरह एजेंट से वन लेवल ऊपर के एजेंट रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और वो लोग वहाँ पे गए हैं उनके साथ कंपटीशन करने के लिए। हाँ, शुरुआत में एजेंट अली ने खुद ही कहा था वो कंपटीशन करने गए, और वो लोग कंपटीशन में लड़ते भी है और बहुत बुरी तरह से हारते हैं लगता है मुझे। और एजेंट अली के, अगर आपने एक चीज़ लक्ष्य किया है तो देखेंगे एजेंट अली के पूरे टीजर में एक भी जगह पर उसका आईडीस नहीं है, यानी सीरीज का सीजन 3 का शुरुआत के कुछ एपिसोड में हमें आईडीस नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, नहीं देखने को मिलेगा। और एजेंट अली के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स के बहुत कुछ बदलवाए हैं, जैसे कि एजेंट जेट के सूट बदलवाए हैं, उसके बाद एजेंट रोज के गन बदलवाए हैं, और भी बहुत कुछ बदलवाए हैं, उसके अलावा सब कुछ पहले जैसा ही है। उसके अलावा भी 4 नए कैरेक्टर दिखाए गए हैं, 4 पिलर के। हाँ, वो सीनियर कैरेक्टर है, एक लड़की है, 3 लड़का है। हाँ, और ये लोग अलग अलग कंट्री से है, ये एक र्यूमर है, अभी भी परफेक्टली कहा नहीं गया है कि रियली ये लोग अलग अलग कंट्री से है, पर बहुत सारे फेमस लोगों ने कहा है कि ये लोग अलग अलग कंट्री से है, जैसे कि इनविजो वाला USA से है, न्यूरो वाला यूरोपियन है, टेक्नो वाला कोरियन है, और कॉम्बेट वाला इंडोनेशियन है, क्योंकि कॉम्बेट वाला का हथियार जो है उसका हथियार इंडोनेशियन कल्चर में पड़ता है, हथियार का शेप, इसीलिए। तो इसमें, इस टीजर में और कुछ हमें ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, और लड़ाई करते हुए दिखाया गया है। उस लड़की का हथियार है एक पियानो की तरह, जो पियानो से सुपरसोनिक हमला होता है, टेक्नो की है वो, और जो एक तलवार मारता है वो है कॉम्बेट का, वो हथियार बहुत ही शक्तिशाली है। और एजेंट अली अब से 2 हथियार यूज़ करने वाला है, योयो भी और अपना घूमने वाला लट्टू भी। हाँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आखिर मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, और बहुत सारे मैं वीकली क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ एजेंट अली बोबॉय के बारे में, उन्हें देखिए, उनके लिंक्स मैं नीचे दे दूँगा, इसलिए ज़रूर देखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। मैं टीजर में सिर्फ एक ही गलती निकल पाया, एजेंट अली का बिल्ली कहाँ है, वो बिल्ली मुझे चाहिए, मुझे देखना है। इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।